अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अली बाबा जो के पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तमाम ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसको यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ख़ास तौर पर जो सियालकोट की बिजनेस कम्यूनिटी है वो सारी की सारी जो है अली बाबा पर शिफ्ट हो चुकी है। अली बाबा पर शिफ्ट करने का क्रेडिट इफ्तिखार हुसैन भट्ट साहब को जाता है जो कि अपने दो जवान बेटों के हमरा इस फील्ड में आए। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि अमेज़ॉन और अलीबाबा दोनों जो हैं वो एक ही तरह के प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ एक रिटेलर के लिए है, ये रिटेल बिजनेस के लिए है, जबकि जो अलीबाबा है होलसेल के बिजनेस के लिए है। खास तौर पर वो तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं लेकिन दुनिया तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं है, तो ये उन इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रेनिंग्स देते हैं। और आप में से वो तमाम लोग जिनका छोटे से छोटा भी बिजनेस है या बड़े से बड़ा बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाएं और आपका भी फायदा और पाकिस्तानी मुईशत का भी फायदा हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। भट्ट साहब, आप सियालकोट गुजरांवाला और लाहौर में भी आप अपना ऑफिस खोल चुके हैं, ये वर्किंग अली बाबा पर होती कैसे? ये देखिए जी, अली बाबा बड़ा सिंपली और सादा प्लेटफॉर्म है जो प्योरली पाकिस्तानी तरीके से इस पे काम होता है। जो भी आपकी फर्म छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है या मिडिल क्लास कंपनी है, कोई कंपनी भी है, वो अली बाबा पे उसकी जिस तरह आपने इधर रजिस्टर्ड करवाई हुई है इसी तरह हम अली बाबा पे उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब हम अली बाबा पे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो alibaba.com आपको एक वेबसाइट दे देता है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इसमें जब आपको वेबसाइट मिली है, जब आपने अपनी प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाई है, तो alibaba.com इसको ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है। जो जिस प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड बायर पूरी दुनिया से होते हैं वो जब आपकी प्रोडक्ट देखते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपसे रब्ता करते हैं। आपको बायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बायर आपके पास खुद आते हैं। और ये होलसेल बायर होते हैं, ये नहीं होता कि आपसे एक पीस लिया या दो पीस लिए हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। जब आप उनको क्वालिटी ठीक देते हैं, अल्लाह के फजल से वो छोटे बायर भी जब आपकी क्वालिटी और सर्विस सही होती है तो वो बायर बड़े होते जाते हैं। सियालकोट की इंडस्ट्रीज में से आप कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को कन्विंस कर पाए कि वो अली बाबा पर आए, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए और अब वो पाकिस्तानी रेमिटेंस में करोड़ों डॉलर्स का इजाफा कर रहे हैं? 1000+ लोगों को जो है ना हम ट्रेन कर चुके हैं और अभी भी हमारी 1000 के राउंड अबाउट हमारी कंपनी इन सर्विस चल रही है। इस तरह उनको बाहर जब लगना शुरू हो जाते हैं तो वो छोटी इंडस्ट्री बड़ी होना शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग कितने अरसे पर मुहित होती है? ये हम टाइम 7 डेज का देते हैं और 7 डेज भी अल्लाह के फजल से लोग 5 दिन में ट्रेंड हो जाते हैं, पर फिर भी हम कहते हैं हमारे पास आए कोई चीज ऐसी रह गई हो, हम उनको प्रॉपर कोई चीज हमारी तरफ से ऐसी नहीं रहती कि alibaba.com के प्लेटफॉर्म के पर जो उनके लिए हाइड रह जाए। हम उनको प्रॉपर ट्रेंड कर देते हैं, उस बाद पूरा साल वो हमारे साथ टच होते हैं, हम उनको अपने व्हाट्सएप ईमेल्स दे देते हैं। हमने आमतौर पर ये देखा है कि अगर किसी भी प्लाजे में हम कोई शॉप लेते हैं तो हमें उसका जो है एक रेंट पे करना पड़ता है सालाना या मंथली। अली बाबा जब आपको अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म देता है तो वो उसका भी कोई रेंट चार्ज करता है, उसको क्या कहते हैं? लोग ये समझते हैं कि अमेज़न और alibaba.com जो है ना एक जैसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। alibaba.com पे हमारे डिफरेंट सालाना पैकेज होते हैं जो ईयरली होते हैं और ये सारे गोल्ड मेंबर होते हैं। जो भी कंपनी जिस जो पैकेज अफोर्ड कर सकती है वो उससे स्टार्ट करती है। कोई पैकेज भी हमारा मयूसफुल नहीं है, उस पर कोई पैकेज लेके भी आप हमारी ट्रेनिंग लेके जब आप अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से दिन ब दिन आपका काम आगे बढ़ता है, आप पीछे नहीं आते। आप याद करेंगे कि हम किसी लाइन के ऊपर आके काम कर रहे हैं और आपके एक्सपोर्ट के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। ये इनका साहबजादा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे आप बताइएगा, अमेज़ॉन और अलीबाबा पर जो लोग काम करते हैं और खास तौर पर वो लोग जो जानना चाहते हैं कि अमेज़ॉन और अलीबाबा में फर्क क्या है, आप किस तरीके से समझा सकते हैं उन्हें? बेसिकली alibaba.com और Amazon में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि alibaba.com के ऊपर जो भी बायर आता है वो एक बिजनेस पर्सन है या वो एक बिजनेस इंडिविजुअल है। इसके अंदर आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं ये होलसेल और बल्क क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। जबकि अगर हम Amazon वाली साइट पे चले जाएं, उधर जब एक बिजनेस या कोई सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है तो जो आपसे परचेज कर रहे हैं वो सिंगल एंड यूजर्स हैं, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्ट परचेज करता है। अगर आप
प्रॉपर बिजनेस गेन करना चाहते हैं एज एन एक्सपोर्टर, लार्ज क्वांटिटीज में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ना कि आप सिर्फ सिंगल पीसीज में काम करना चाहते हैं, तो तब आपको रेकमेंड होता है Alibaba.com, जिसके ऊपर आपको स्टोर मिलेगा, उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह लगा दें, बल्क क्वांटिटीज में आपको ऑर्डर आने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि Amazon के लिए आपको किसी भी दूसरी कंट्री में एक वेयर हाउस का होना जरूरी है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं और उसके बाद वो चीज़ें मुतल्लिका बायर तक पहुँचती हैं। जबकि जो Alibaba है, ये Amazon पर भी जो लोग कुछ चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं वो Alibaba से ख़रीदते हैं और आगे कस्टमर्स को फराहम करते हैं, तो ये डायरेक्ट आप एक्सपोर्टर्स नहीं बन रहे। तो अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको Alibaba के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। बट साहब के दूसरे साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उन तमाम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो Alibaba पर आकर बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहनों में एक फियर बैरियर होता है, हम नाकाम ना हो जाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, या एक लैक ऑफ नॉलेज होता है। जो भी लोग घबराते हैं कि अगर हम लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि Alibaba बेसिकली एक वो साइट है जो ग्लोबली आपकी शॉप को लॉन्च कर देती है। कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी दुकान लोकली भी ओपन करते हैं या फिर आप एग्जीबिशंस लगाने बाहर जाते हैं तो आपके 10-15 लाख जो है नॉर्मली इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जबकि Alibaba में आप 2.5-3 लाख के अंदर एक शॉप वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे जिसमें आपके प्रोडक्ट्स बायर्स की रसाई है उन प्रोडक्ट्स को, और जो भी पसंद आएगा जिस बायर को प्रोडक्ट वो आपसे परचेजिंग कर लेगा। और जो सक्सेस रेशियो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसे कस्टमर्स मौजूद हैं कि जो Alibaba पर 18 साल से काम कर रहे हैं, मतलब वो ईयरली Alibaba को पे कर रहे हैं, और पे वो तब ही कर रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें बिजनेसमैन कम्युनिटी और खास तौर पर वो लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट जो Alibaba पर आना चाहें, तो आप उनको दे सकते हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो इतनी देर से प्रोडक्ट बना रहे हैं और लोकली वो सेल कर रहे हैं, उनको बाहर के मुल्कों में जाके एग्जीबिशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो Alibaba के प्लेटफॉर्म से शुरू हो। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो हमारा मिनिमम पैकेज है वो $1400 से ईयरली शुरू होता है, आप इससे शुरू कर सकते हैं। हमारे पास $5000 वाला भी पैकेज है और $10000 वाला पैकेज भी है। जिस पैकेज से भी आप शुरू होंगे इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आपका काम दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जी, अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो Alfarex के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनकी टीम से रابطہ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इनसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए, Alfarex के प्लेटफॉर्म से मजीद क्या नया आएगा वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।